हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 में आप लोगों का इंग्लिश का जो पेपर है ना, बहुत ही ज्यादा नजदीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर इंग्लिश का वायरल पेपर लाइए, जैसा बोर्ड एग्जाम में हमारा इंग्लिश का पेपर आएगा। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये आप लोगों का जो इंग्लिश का पेपर है ना, ऐसे ही आप लोगों का पेपर बोर्ड एग्जाम में आएगा। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है, और अगर आपने ये पूरा पेपर इंग्लिश का सॉल्व कर लिया तो आप इंग्लिश में 95% जरूर लाओगे, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है इंग्लिश के, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वायरल क्वेश्चंस हैं। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। जब आप पेपर देकर आओगे तो आप मिला लेना, आपको एक एक क्वेश्चन सारा यहीं से मिलेगा। ठीक है, आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और बहुत ही ज्यादा इसको मेहनत करना पड़ा है लाने में। तो आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसका जो कोड है 817DH, लेकिन आप सारे जिले के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हो, सारे के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा वायरल पेपर है। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो मार्क्स हैं, जो आपके 70 नंबर का पेपर रहेगा पूरा, आपके पास जो टाइम रहेगा वो 3 hours 50 minutes यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट भी हैं, जैसे पहला है द फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो शुरुआत के 15 मिनट होते हैं वो केवल आपको क्वेश्चंस पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, उसमें आप ध्यान से पढ़ो कितने क्वेश्चंस आता है, कितना नहीं आता है। सेकंड नंबर है दिस क्वेश्चंस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, ये जो क्वेश्चन पेपर है 2 सेक्शन में डिवाइड है। एंड हमारा जो सेक्शन ए है वो कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जो आपका मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, एंड कैंडिडेट्स हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द आंसर इन द ओएमआर शीट, और आपको ओएमआर शीट में इनका आंसर देना है। ठीक है, एंड सेक्शन बी जो रहेगा वो आपका कंटेन डिस्क्राइब आंसर टाइप क्वेश्चन, और वो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5, आपका 5 जो है वो नोट है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस करना अनिवार्य है। एंड मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस, और जो उनके मार्क्स हैं वो क्वेश्चंस के सामने लिखे गए हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग 20 में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव का फिक्स करेंगे। जब आपका 20 में 20 ये फिक्स हो जाएगा तो फिर और सारा तो आपका फिक्स ही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं आता बस ध्यान से समझो, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सेक्शन ए में आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। सबसे पहले जो आपका रहेगा वो एक पैसेज रहेगा, और उसमें आपके 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, पैसेज को ध्यान से पढ़ लो, इसमें आपको 3 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन एक नंबर का, 3 क्वेश्चन रहेगा और आपको 3 नंबर मिलेगा। तो हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखो लिखा हुआ है व्हेन आई वॉज 20 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो 20 ईयर यानी कि 20 साल का था, तो अब ये याद रखना पॉइंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। ठीक है, माय लॉन्ग फर्स्ट ट्रिप, जब हमारा पहला लॉन्ग ट्रिप था, विथ एन ओल्डर फ्रेंड आई हैव विजिटेड द साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड एंड वन ऑफ आवर प्लान्स वाज टू स्पेंड 2 डेज एट ए फेमस टूरिस्ट रिसोर्ट। ठीक है, और द हर्मिटेज राइड्स इन द हर्ट्स ऑफ द गेंस स्पीक ऑफ द साउथर्न एल्प्स। तो इसको जैसे आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, थोड़ी सी हिंदी मीनिंग्स आप निकालना, यहां से यहां तक आपका रहेगा। छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, तो इसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है इसी में मिल जाएगा बहुत आसानी से। जैसे मैं आपको बताता हूं, थोड़ी सी आप ध्यान से समझना। वी हैड ये मैग्निफिकेंस, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शानदार। ठीक है, ड्राइव्स थॉट द माउंटेन्स एंड अराइव एट द हेमिटेज इन अर्ली आफ्टर। अब इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपको समझो सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है। ठीक है, अब आप लोग ही इस क्वेश्चंस का आंसर बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, अभी आप ही बता दोगे। देखो मैं आपके सामने क्वेश्चंस लाता हूं। पहले देखो यहां सबसे पहला क्वेश्चन अभी पहले ही लाइन में पढ़ा है, अगर नहीं पता तो आपकी गलती है, आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, नहीं बताऊंगा, आप ही कमेंट करना। देखो द नरेटर वेंट ऑन हिज फर्स्ट ट्रिप, जब नरेटर जो है, जो इसको लिखा है, वो फर्स्ट ट्रिप पर गया, तो वो कितने साल का था,
कितने साल का था, चलो बताओ। अब मैं नहीं बताऊंगा, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है भाई, आप लोग ही बताओ। अभी देखना ध्यान से, ओल्ड था ये चाइल्ड, था ये मिडिल एज्ड मैन, था या ये यंग मैन ऑफ 20 ईयर। भाई पहले ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आई वाज 20 ईयर ओल्ड, मतलब 20 साल का था। तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दो कितने साल का था, अब तो आपको पता चल गया ना 20 ईयर ओल्ड। तो चलो ये क्वेश्चंस आप लोग फटाक से कमेंट बॉक्स में बताना। देखो मैंने तो आंसर बिल्कुल बता दिया, अभी मैं टिक इसलिए नहीं लगा रहा हूं कि अब मैं देखना चाहता हूं आपने कितना अच्छे से इसको समझा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, द राइटर लुक्ड अप व्हेन। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, अब आप लोग ढूंढो क्योंकि पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया भाई, 20 ईयर का था ये तो आपको मिल गया, चलो हमने बता दिया आपको ये, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में, सारे स्टूडेंट एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि इसको आपको जब आप ध्यान से पढ़ोगे नहीं, अगर मैं ना दूं तो आप इसे ध्यान से पढ़ोगे नहीं, तो आप लोग एक बार पढ़ोगे ध्यान से तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। द राइटर लुक्ड अप व्हेन ही फेल्ट रेस्टलेस, या ही फेल्ट एक्साइटेड, या ही हियर्ड द हम ऑफ वॉइस, या द हम ऑफ वॉइस वाज सडनली हस्ड अप। बहुत आसान है, एक बार ध्यान से पढ़ लेना यार, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। जहां भी आपको इस टाइप का मिले वहां आप इसे यहां पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तीसरा भी मैं बता देता हूं, मैग्निफिकेंस मींस क्या होता है, अभी मैंने बताया है यहां जब पढ़ा रहा था, मैग्निफिकेंस का मतलब शानदार होता है, अभी मैंने जस्ट बताया है। तो मैग्निफिकेंस जो होता है, हम्बल का मतलब विनम्र होता है, स्प्लेंडेड का मतलब शानदार होता है, तो इसका मींस शानदार। अब एक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने दो का आंसर बता दिया, चलो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर नंबर। देखो फोर से एट तक, यानी कि पांच क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ये पांच नंबर का रहेगा, ठीक है। ये आपका ग्रामर सेक्शन से रहेगा, कहां से रहेगा, ग्रामर से। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। पहला आई फिर डैश 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 वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड जस्ट हैव जस्ट फिनिश द अरेंजमेंट। देखो यहां क्या है, फिनिश्ड का मतलब काम समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रेजेंट वाला होगा नहीं, ठीक है, प्रेजेंट वाला नहीं होगा, ठीक है, एम नहीं। देखो हैड बीन होगा, क्या होगा, हैड बीन, क्यों, क्योंकि ये जो काम है ये पास्ट में है, और हैड बीन क्या है हमारा, हो चुका था, पास्ट में है, ठीक है। तो समझ में आया पहला क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन, डॉट 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 फूड द डैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड। यहां कौन सा आर्टिकल रहेगा, नो आर्टिकल ए एंड द, तो द फूड रहेगा ना, यहां क्या भरोगे, द, तो द फूड हो गया, ठीक है। यानी कि आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहे हैं, देखो आसानी से समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। देखो यहां, आई डोंट थिंक इट वॉज अ डिफिकल्ट टेस्ट, इन फैक्ट आई थिंक इट वॉज क्यूट इजी। अब यहां इजी क्या है, यहां जो इजी है यह क्वेश्चन से विशेषता बता रहा है, ठीक है, मतलब बता रहा है ना, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या एडवर्ब है, या एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है भाई, ये तो विशेषता बता रहा है। ये क्वेश्चन पेपर इजी था, ये मतलब इजी का मतलब होगा विशेषता, ठीक है, तो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ट्रैवलिंग फॉर स्लेस है, माई फॉर स्लेस, एंड फॉर स्लेस, आर फॉर स्लेस, मदर फॉर स्लेस, फोंड फॉर ऑफ फादर। ये आपको करना है रीऑरेंज, मतलब व्यवस्थित सारे ऑप्शन हैं आपके पास, माई मदर एंड माई फादर फोंड ऑफ ट्रैवलिंग, तो या फोंड, फोंड तो पहले आएगा नहीं, इसमें ट्रैवलिंग पहले आएगा नहीं, माई मदर एंड फादर ट्रैवलिंग आर और फोंड ऑफ, क्या होगा, तो इसका होगा आपका ए वाला ऑप्शन, कि माई मदर एंड फादर आर फोंड ऑफ ट्रेवलिंग, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 7 में 7 नंबर आपका फिक्स हो चुका होगा, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि व्हिच वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है, कौन सा इसमें वर्ड्स है जो गलत है, तो डिफिनीशन या एक्सरसाइज या अटेंडेंस या हमारा करेक्टली बताना है ना, करेक्टली डिवीजन, तो यहां डिवीजन है, ठीक है। अब देखो ये सारे आपके 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि 5 ये और 3 क्वेश्चन आपके जो पैसेज के थे, 8 क्वेश्चन, यानी कि 8 में 8 नंबर आपका हो गया फिक्स। पैसेज वाले तो बहुत आसान होते हैं, सारे आपको मिल ही जाते हैं पैसेज में ही। जैसे यहां आओ, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्या कह रहा है कि लिखा हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो यहां 2 नंबर का मिलेगा, 2 क्वेश्चन, ये आपका अप्रोच से है।
देखो द फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और आर्विक डिसेंट एज वन स्टोरी गोज ए पार्ट्स ऑफ एक्सलेंडर ए आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट ऑफ सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न्स बिकम इम्प्रैक्टिकल. देखो अब यहाँ क्या है, इसमें क्या है, बहुत आसान है कि द पीपुल ऑफ कुर्ग लुक्ड कैसे दिखते थे, तो वो इंडिपेंडेंट थे. पीपुल को क्या थे, इंडिपेंडेंट मतलब खुद पे डिपेंडेंट रहते थे. ठीक है, तो ये सब गलत है, खुद इंडिपेंडेंट थे. ठीक है, खुद पर डिपेंड थे तो हो गया. दूसरा क्वेश्चन, दियर कल्चर्स इज शोन मोस्ट क्लियरली बाई दियर मैरिज रूट्स या ड्रेसेस या हैबिट्स या देखो मार्टिल्स ट्रेडिशन मैरिज रिलीजियस राइट्स इटीसी. ये सही भाई, ठीक है, ये आपको इसमें मिल जाएगा. देखो यहां लिखा हुआ है दियर कल्चर्स इज एपियरेंस इन द, देखो सेम है, सेम यहां से मिला लो, यहां से या ट्रेडिशन मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स पूरा वही सेम है. ठीक है, तो बस क्वेश्चन देखो पैसेज वाले तो हमें बहुत आसान लगते हैं, अगर आप थोड़ा सा हिंदी मीनिंग्स निकालोगे ना, हिंदी मीनिंग्स थोड़ा सा समझोगे, मैं कहता हूँ बिल्कुल से आपको समझ में आ जाएगा, एक भी छोटा सा भी चीज नहीं फंसेगा. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 से हमारे प्रोज से ही है बट इसमें पैसेज नहीं है. लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 12 13 यानी कि तीन क्वेश्चन. बेस्ड ऑन योर Understanding of the prose lesson, choose the correct option to answer the following questions. देखो एक से तीन नंबर तक का, 11 नंबर. देखो लिखा हुआ Annie gets a little depressed because क्यों? क्योंकि Annie के पास कोई real friend नहीं था, यानी कि she cannot talk all. नहीं, she does not have a real friend. ठीक है, उसके पास कोई real friend नहीं था जिससे वो अपनी बातों को साझा कर सके. Next question, the first problem before Bully before the bus ride. तो bus ride से पहले उसकी first problem क्या थी, तो उसकी सबसे बड़ी जो problem थी वो to save money for bus rides. ठीक है, मतलब उसको पैसे को सेव करना उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी. ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, द वाइज डोंट्स ग्रीव बिकॉज दे नो डेट्स ऑल मस्ट डाई वन डे. तो ये तो सभी को पता है. ठीक है, एंड नो डेट डेथ इज, देखो ये सही है क्योंकि डेथ जो है वो भाई होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है, तो मतलब ये सही है. ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया 13 क्वेश्चन. अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन. अब माय डियर स्टूडेंट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ध्यान से समझना सारा क्वेश्चन, मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ. इसमें क्या है कि पोएट्री का है. ठीक है, लिखा हुआ रीड द गिवन स्ट्रक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ठीक है, ये देखो, डोंट बाइट्स योर नेल्स अमंडा, डोंट टच योर शोल्डर समंडा, स्टॉप द साउचिंग एंड सिट्स अप स्ट्रेट समंडा. ये सारे एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव है. देखो इसमें 14 नंबर क्वेश्चन में हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, इन एबव लाइन्स में जो स्पीकर है वो कौन है, अमंडा है, हर पेरेंट्स हैं, हर फ्रेंड्स हैं, हर नेबरन्स हैं, तो नहीं, हर पेरेंट्स हैं, इनके माता पिता हैं, उनको अच्छी अच्छी बातों को सिखा रही है. ठीक है, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है. सारा क्वेश्चन ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब 15 नंबर क्वेश्चन उसी में से है, पैसेज में से, कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक हिज बिफोर, क्योंकि इंट्रक्शंस कैन मेक अमंडा बिहेव बेटर, ताकि वो लोगों से अच्छा बिहेव करें. ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन समझ में आ गया. अब 16 नंबर क्वेश्चन से आप लोग ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो यहां क्या है, 16 नंबर, ये सारे सप्लीमेंट्री से है. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. लिखा हुआ है इट वॉज ए टेम्पटेस टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट बिकॉज. ठीक है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है. द पंपरी डिड नॉट वॉट ट्रिकी, नहीं ये तो गलत है. ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, नहीं. ट्रिकी वॉज नॉट रिकवरिंग फास्ट, नहीं. ये सही है. देखो कि द पंपरी सेंट ए लॉट टेबल दैट द डॉक्टर इंजॉयड, मतलब जो ट्रिकी था उसको बहुत ज़्यादा फूड खाना वाना खिलाया गया, तो उससे उसको बहुत ज़्यादा लेजी और मोटा हो गया था, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. अनिल टॉट हरी, अनिल ने हरी से क्या सीखा, कुक एंड राइट्स या कुक राइट्स एंड एड नंबर राइट या कुक एंड एड नंबर. तो कुक राइट्स एंड एड नंबर. ठीक है, मतलब खाना बनाना, राइट्स मतलब लिखना, एंड एड नंबर का मतलब नंबर को जोड़ना. ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, द बुक गिफ्टेड टू एवराइड्स बाय हर मदर, तो उनको दिया था द ट्रेवल ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, कि हुईज ऑफ द फॉलोइंग कंबाइनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, तो मटिल्डा कैसी थी, वो एमिवेबल मिडिल क्लास एंड सर्टिफाइज थी. ठीक है, सी वाला ऑप्शन. तो 19 क्वेश्चन हो चुके हैं,
अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 20 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, लास्ट ऑब्जेक्टिव है, देखो ध्यान से लिखा है, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली जो है वो स्कूल भेजी जाती थी क्योंकि हर पेरेंट्स फेल्ट कंप्लेंट टू दिस, या फिर हर मदर जो है वांटेड हर टू एजुकेटेड एवरी बॉडी एल एस सेंड हिज डॉटर टू, या इट इज नॉट नेसेसरी फॉर मैरिज, इट वॉज नेसेसरी फॉर मैरिज, ठीक है। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव हैं और 20 ऑब्जेक्टिव इसमें जो थे वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं उसमें ये बिल्कुल से हिट करेंगे, ठीक है। आपको 20 में 20 नंबर ये क्लियर कराएंगे ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव मैंने समझाया है, ठीक है। तो ये तो OMR सीट पर आपको क्वेश्चंस का आंसर देना था, 20 में 20 नंबर आपको मिल ही जाएगा। अब हम लोग ये समझेंगे कि जो आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी सुंदर सुंदर, उसमें कैसे लिखोगे, उसमें कौन से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि 20 नंबर तो हो गया बट अभी हमें 50 नंबर का क्वेश्चंस देखना है, 50 मार्क्स के, तो वो भी तो समझना जरूरी है। तो चलो हम लोग उस चीज को समझते हैं। 21 नंबर से आप लोग समझिए ध्यान से, ठीक है। सेक्शन बी जो है वो कैसे आएगा वो आप लोग ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहां 50 मार्क्स आपको दिए जाएंगे सेक्शन बी का, ठीक है। अब इसमें अगर आप थोड़ी सी माइंड लगाते हो तो आसान है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना आसान है, बट अगर आप अच्छे से नहीं लिखते हो तो कठिन लगेगा। देखो जैसे ये 21 नंबर देखो अभी, कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो। देखो, गॉड डीड्स मैनी सॉरी मे वी डन बाई एनी थिंग इन एनी वॉक ऑफ लाइफ बाई द सोल्डर्स इन बैटल फील्ड बाई द वुमेन इन द होम एंड द नर्स इन द हॉस्पिटल एंड द बॉयज एट स्कूल्स और इन्वेंटर इन द लाइब्रेरी सच प्रोग्राम्स इज द हैपियंस बोथ द डेज और दोज फॉर हुम इट डू। देखो अब है तो बहुत ही ज्यादा सिंपल, अगर आप एक बार कहीं भी क्वेश्चन बैंक वगैरह में बुक में देख के समझ जाओगे तो आ जाएगा। अब ये आते हैं 7 नंबर के भाई, छोटा सा पैसा 7 नंबर का, सब इसी में आंसर है, व्हाई डज द परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड्स डू गुड परफॉर्मेंस। तो यहां आप लोगों को इसी में से ही लिखना है, ठीक है, गुड डीड्स मे बी डन बाई एनी वन इन वॉक ऑफ लाइफ बाई, बहुत सारी चीजें हैं। एंड यहां What does the memory of your good deeds, या फिर who may do good deeds, या find out the words in passage which means something done। तो ये आपको 7 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब ये जो है इसको सॉल्व मैं आप लोगों को कॉपी में लिखकर अच्छे से एक एक को करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसको आप पैसेज में आप देखिए रिसर्च कीजिए आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो मैं बता दूंगा। अभी आप ये समझ लो कि आपका पेपर कैसा आएगा, आपका जो इंग्लिश का वायरल पेपर है ये पहले समझ लो कि आपको कैसे दिया जाएगा, कैसे आएगा। बिल्कुल आप लोग इसमें एक एक क्वेश्चंस को ऐसे समझो कि आपका पेपर है, समझ लो, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले क्वेश्चंस अच्छे से समझा देता हूं। और 22 ये तो बहुत आसान है भाई, आंसर एनीवन, आपको 4 नंबर मिलेगा। देखो लेटर एप्लीकेशन में से पहले आपको लेटर सॉरी एप्लीकेशन राइट एंड एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रेंट यू लीव फॉर 1 वीक यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। आपको टाइफाइड है इसलिए आपको 4 दिन, 1 वीक, 1 वीक यानी कि 7 दिन की छुट्टी चाहिए। कितना आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन को लिखना जानते हो, तरीका जानते हो तो आसान है, नहीं जानते हो तो मैंने बता रखा है, देख लो, ठीक है। और राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स कंग्रेचुलेशन हिम टू विनिंग स्कॉलरशिप इन बोर्ड एग्जाम, ये आप लेटर लिखो, मतलब दोनों में से कोई एक करोगे। अब जो आपको 100% आता हो वो करो, अगर डाउट है तो उसको छोड़ो, अगर आप पहला जानते हो पहला करो, दूसरा जानते हो दूसरा करो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लेटर ही करो या एप्लीकेशन ही करो, जो आपको आता है उसको करो। 23 नंबर देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 80 से 100 वर्ड्स में 6 नंबर देकर जाएगा। लिखा राइट ए डिस्क्राइब लिखा हुआ पैराग्राफ एन इंडियन फार्मर, इंडियन फार्मर पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ना कोई हेडिंग ना कुछ, केवल आपको एक पैराग्राफ बढ़िया से लिख दो, दो पेज में बस, ऑन द बेसिस आप देखो आप हेडिंग भी ये डाल सकते हो, इंट्रोडक्शन होम एजुकेशन डेली लाइफ सोर्स ऑफ एंजॉय इफर्ट्स, बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा टेंस जानते हो इंग्लिश में लिखना तो आप ये बिना याद किए बना बना के लिख सकते हो, ठीक है। ये भैया इंडियन
फार्मर हैं, ठीक है। अब वो नहीं आता, ये करो बाई 2005 इंडिया विल द आलमोस्ट, नहीं ये इसका है फिगर, ठीक है, आलमोस्ट कंट्रीज व्हिच विल फेस वाटर स्टोरेज यू हाइजली हार्म्स द आर फ्यूचर वर्ल्ड्स विदाउट वाटर। तो सो ये आर्टिकल्स वाटर आर वी डूइंग इनफ, ये तो मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, बहुत आसान है, अगर आप एक बार देखे होंगे वीडियो हमारी तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा हो चुका है, 6 नंबर, दोनों में से कोई एक करोगे 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों ग्रामर सेक्शन पे, 24 नंबर आपका ग्रामर। रिटाइज द फॉलोइंग चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट, अनिल सैड टू हिज सिस्टर प्लीज पुट दीज पेपर्स ऑन माई टेबल। तो देखो यहां प्लीज यानी कि यहां अनिल रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर, फिर टू लगाओ, पुट दीज चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स ऑन माई टेबल, ऑन माई थोड़ा सा चेंज कर दो, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हर हो जाएगा बस, ठीक है, नहीं सब्जेक्ट से चेंज होगा, हिज हो जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। 2 नंबर आपको मिल जाएगा तुरंत। चेंज द फॉलोइंग पैसिव वॉइस, द हंटर शूट्स द टाइगर, बहुत आसान है। यहाँ देखो पंचुएशन भी 2 ही नंबर, 2 नंबर का है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसको हमने नहीं पढ़ाया, ठीक है, ये भी है। यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, यहाँ ये कैपिटल कर देना अच्छे से, और माई फादर, फिर यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर हो गया, ठीक है। तो ये है आसान, अगर आप पहले से थोड़ा सा समझे हो। एक आपको ट्रांसलेशन दिया जाएगा 4 नंबर का, एक दिन एक लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था और अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, गरीब लकड़हारा वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा, उसकी रोने की आवाज़ सुनकर नदी से एक परी निकली, परी ने उसे एक सोने की कुल्हाड़ी दी, उसने कहा कि कुल्हाड़ी लोहे की थी सोने की नहीं थी, और परी उनकी ईमानदारी से प्रसन्न हो गई। कितना आसान है भाई, इतने छोटे छोटे टेंस तो आपको छोटे से 6 या 5 क्लास में ही आप कर ले होंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये सारे ग्रामर के थे, 4 यानी कि 6 6 4 10 नंबर ये हो गए, ठीक है, हो गया। अब देखो आंसर द फॉलोइंग 30 से 40 वर्ड्स, 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है, आपको मिलेगा कितने नंबर, 6 नंबर, ठीक है। पहला, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसी ऑफ एपनेंट ऑन द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, बहुत आसान है। या फिर व्हाट डज एनी टेल अबाउट फैमिली हर डायरी, अपनी डायरी में एनी ने अपनी फैमिली के बारे में क्या कहा, भाई कितना आसान क्वेश्चन है, पेपर ऐसे ही आएगा, डोंट वरी, टेंशन मत लेना कि बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा, कुछ नहीं, बस सेम है। हाउ ये बेकर्स इंपॉर्टेंस फॉर ये पार्टी ये फीस्ट इन गोवा, या फिर व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर सी गोट द बस, तो 4 नंबर का है, दोनों में से कोई एक करना है, सॉरी 3 नंबर का। अब 4 नंबर के क्वेश्चन, 2 में से कोई एक करना है, आंसर द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 60 वर्ड्स में 4 नंबर का है, एक करना है कोई। देखो What were the difficulties faced by Nelson Mandela in achieving freedoms for his people? अपनी people, अपने लोगों के लिए freedom, स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से कठिन काम इनके सामने आए वो बताना Nelson Mandela के। How did Valli plan her bus rides and what did he find about the bus and how did he save fare? तो ये दोनों में से कोई एक करो। अब देखो poetry में से हमारे questions आते हैं, देखो इसमें क्या है कि what message does poet want to convey through the poem? Fire and ice के बारे में आप बताओ, कोई भी चीज़ जो उसमें एक शॉर्ट में, ये 3 नंबर मिल जाएगा। या फिर आप बहुत आसानी से ये लिख सकते हो, राइट द 4 लाइंस पोएम डिस्क्राइब इन योर सिलेबस, डू नॉट क्वेश्चन पेपर, आपको क्वेश्चन पेपर से नहीं लेना है, ये ध्यान रखना, जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये यहाँ से नहीं लेना है, ठीक है, और आपको डिस्क्राइब करना है। अब देखो यहाँ ध्यान से कि राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द क्वेश्चन, चाहे सेंट्रल आइडिया लिखना है, लिखा हुआ है ये टाइगर इन द जू अमंडा फॉग, तो 3 नंबर का है, आप कोई एक सा लिख सकते हो, ठीक है, फायर एंड आइस पर आप लिख सकते हो, नहीं अमंडा पे लिख सकते हो, पढ़ाया रखा है तो फायर एंड आइस भी आएगा कहीं ना कहीं, देख लेना। अब देखो 29 नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 30 से 40 वर्ड्स, ये हमारा सप्लीमेंट्री के है। हाउ डज द थीप थिंक्स अनिल विल रिजेक्ट थीप्स, तो ये हमारा हो गया। एंड व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लिप इनटू द विग लंडन स्टोर, तो दोनों में से कोई एक करोगे आपको मिल जाएगा कितना नंबर, 4 3 नंबर। अब एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, दोनों में से कोई एक करो। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड्स में राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, अनिल का कैरेक्टर स्केच लिखो, या ग्रिफिन वाज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट एज मिस्यूड हिज साइंटिस्ट डिस्कवरी इन पॉइंट्स इन द गिवन इंसिडेंट फॉर हिज स्टोरी, तो 4 नंबर का, दोनों में से कोई एक करना, ठीक है। तो ये पूरा हमारा इंग्लिश का पेपर है और इसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चन समझा दिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसको मैंने नहीं समझाया, 20 ऑब्जेक्टिव भी समझाया और 50 नंबर का लिखित भी समझा दिया। अब ऐसे ही आपका पेपर आएगा, अब आप इसको सॉल्व कर लेना, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको इसका पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा एक एक क्वेश्चन का, ठीक है।
तो आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, और हाँ अगर आपको ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो प्लेलिस्ट बन चुका है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ साइंस, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, सारे का वीडियो आ चुका है, ठीक है, तो वो आप चेक कर सकते हो, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है, सारे का वायरल पेपर। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।